वेरी ब्यूटीफुल व्लॉग अमजित कौर चैनल में, इंडियन व्लॉगर अमजित चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और आज है सैटरडे और आज पति करने वाले हैं 1 रुपए के इस तेल से हम सबकी मालिश। जी गाइस, 1 रुपए के तेल से हम सबकी मालिश करने वाले हैं। और ये नवरत्न तेल है ना, नवरत्न का तेल। ये आज पता नहीं कहाँ पे गए थे सुबह कटिंग शटिंग करवाने अपने, और उन्होंने इसी तेल से इनकी मालिश किया। आके बड़े मजे से बोल रहे हैं वही तेल चाहिए। तो पित्तू को भेजा तेल लेने के लिए, बॉटल की जगह वो ये पैकेट उठा लाई है। और ठीक है कि एक पैकेट सबको लग जाएगा, और कितने उठा के लेके आई है मैं बता नहीं सकती आपको, बहुत सारे हैं। बताऊंगी आपको, ये देखो टेबल पे रखे हुए हैं सभी छोटे छोटे टुकड़े करके, उनके हाथ में भी हैं। ये तैयार बैठे हैं हमारी मालिश करने के लिए। अभी देखते हैं कौन सा है जो, मतलब वैसे आप हमारी सेवा क्यों कर रहे हो? पति हमेशा सेवा करवाते हैं, लेकिन वाइफ को पति से सेवा कराने का मौका बहुत कम मिलता है। आई एम लकी। तो पति, आज आप मेरे हेड मसाज मुझे देने वाले हो ना, क्योंकि मैंने भी ये नवरत्न तेल लगाया है, तो मुझे मेरा सिर बड़ा रिलैक्स काटन चंगा है। मैं ये तेल लगाया सिर ते, बड़ा आराम होता है। मेरा सिर गर्मी के बहुत वधिया रहता है, लाने मेरा सिर बहुत ठंडा ठंडा हो गया। रिलैक्स फील कर रहे हो आप? ओके, कटिंग देख सकते हो, पूरे बाल देखो, पूरे बाल फेस पे लगे हुए हैं। देखो अभी आई है बस ये कटिंग करवा के, है ना। तो आज मेरा व्लॉग जो है ना घर का भी है, क्योंकि आज मैंने सारा काम निपटा के अपना घर भी जाना है। तो फटाफट मालिश करवाते हैं, और अपने पतियों को भी कहना है 1 रुपए का तेल ज़्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है, वैसे 1 रुपए का तेल लाकर मालिश करो, और मेरी वीडियो दिखा देना अगर फिर भी पति मना करे तो। ओके, तो चलिए सेवा करवाते हैं। अब मैं शुरू करता हूँ तेल लगाना। मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि यह तेल लगा के बड़ा आराम मिलता है। यह तेल लगाने के बाद जो मुझे बोलेंगे बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत मजा आ गया। थैंक यू पति, थैंक यू। लेट्स सी वधिया में बीज है इन्ना तो निकला। देख हां, कम से कम तेल थोड़ा होता है, इसके तेल होता है। इसको थोड़ा जगह ना, एक और चीज निकल तो जाएगा ना जल्दी। प्रीत अदर में तो बाप देख के बदल जी हुई शायद। पति मटाया में तो मुंह लग गया, ठंडा ठंडा मुंह हो गया। इनके मुंह को तेल लग गया वो गलती से, तो अभी बाप के उसको क्लीन करने गया, कहते मुंह मेरा ठंडा ठंडा हो गया। यंची रे पाव उठ के मजा आ गया, thank you.
गया मेरे आईलिड एरिया पे, सो थोड़ा सा मुझे वॉश करके आना पड़ेगा। नहीं ठीक हो जाना, मैं ऐसे नहीं को सुनता, आगे बोली ना नहीं मजा आ गया। मैं आपको पहले बोल के हटा दूंगा, लड़कियों में 365 चिलितर होते हैं, इसको बोलते हैं 365। ऐसे बोलते रहते हैं। डाली मसाज करवा रही, अभी बोली मेरी आईज में पड़ रहा है। तेल तो लग गई। अब दूसरे बेबी की बारी है, मैं बड़ी बेबी हूँ, अभी छोटे बेबी की बारी है, छोटा बेबी आ रहा है पिट्टू, और उसके बाद 6 पाउच मेरे इन बालों में 6 पाउच लग गए हैं, और मजा आ गया, मजा आ गया, यहाँ पे थोड़ा हो गया, अदरवाइज इट्स ओके, मजा आ गया। पर बहुत टाइम से मेरे बालों में तेल नहीं लगा था, अब आपके वहां पे वाले उठ जाके भेजा भी अपनी जगह पे। मेरे पति ने मेरी ऐसी मसाज की मेरे बालों की के मैं रो पड़ी। ये कैसा रहेगा, मसाज की ऑटोमेटिक नाइस, थैंक यू। ये देखिए, ये देखिए, जब बैठ गए पित्तू, पित्तू देखो इसकी उम्र कोई ज्यादा नहीं अभी है, ये समय से पहले बूढ़ी हो गई क्योंकि इसके बाल बहुत ज्यादा सफेद हो चुके हैं बीच बीच में। इसके बाद बारी आएगी विंकल की, आपने नहीं लगवाना, आपने नहीं लगवाना तेल, क्यों तेल अच्छा नहीं लगा, तेल अच्छा नहीं लगा, ऑरेंज कलर पहले सारे तेल ला लिए, ऑरेंज कलर का तेल लगाने, आपने ऑरेंज तेल लगवाना है, तो बड़ा है। इसके बाल मुझसे लंबे हैं पित्तू के, तो इसके बालों में मेरे से भी ज्यादा पाउच लगेंगे, मेरे बालों में 6 लगे हैं, इसके तो मुझे 10 लग जाएंगे आराम से ना। पित्तू कितने बाल छुट्टे आ गए, पित्तू करते ही नहीं है कुछ, एक्चुअली वो इसने ब्रेसलेट लगवाई है ना, उसकी वजह से भी वीकनेस बहुत हुई है। फिर तेरे बहाना मिला है ताद, पहले कड़ा पहलवान से पहले खेल गए से चीर कट के दे। ये कन्या सेवा है, कन्या सेवा, पति ने आज की कन्या सेवा। उसके बाद विंकल की बारी, ठीक है विंकल, आपने नहीं पड़ेगा आपके पति आपने वो पास कर दे, ले वो दे दे, अभी दे दे कैंचे कर लो, नहीं नहीं मैं तू आ अच्छी मुझे दे दे कैंचे में, चीर दे काट दो और पास विंकल ने उठा के आ चुकी है पीतू की, पीतू को बड़ा आराम लगता है यार, है ना, इसको मजा आ रहा है। विंकल क्या कर रहे हो आप, ये टूट जाएगी बेटा, गिव इट टू मी, ऐसे क्यों कर रहे हो, जुतियां पहनिए तेरे फ्रेंड, दे दो बेटा विंकल, 10 मिनट बाद तुम अपनी नहीं नहीं कर लियो, ओके विंकल, ये पापा को दो, बहुत मजा आया, अब आपकी बारी, ठीक है उसके बाद आपकी बारी, ओके अब सभी से मैं पैसे लूंगा, कितने पैसे हो गए, 50 100 रुपए हो गया आपका, नीचे देखो गाइस इनके पैर के नीचे देखो, वो खाली पाउच देखो, ये पाउच पड़े हैं खाली, देखो आपने ये पाउच, ये हमारे पाउच इतने खाली जो उन्होंने खाली कर दिए हैं, खाली पाउच, इसको डस्टबिन में फेंक देते हैं इसको, चलो विंकल आप विंकल, चलो आपकी बारी, अब
एक पाउच बिंकल को और बिंकल पाउच एक और थोड़ा सा ही दे दो हां एक दे देता हूं इसको ऑलरेडी लगा हुआ है ये बाहर गिरने क्यों पाया अभी इन्हें पता नहीं काल ले लिया इन पानी पाया अरे बाहर गिरने का भी कितने बिंकल में हां पाया इसका पानी इधर से ऊपर खोल देंगे ना अभी छोटे चेतन की बारी ये जिसके ऊपर बैठ जाएगी पप्पी रख दे चेयर की तेरी चेयर दो पिंक वाली चेयर रेड वाली पिंक वाली मम्मा ने गलती से हो गया था मम्मा ने गलती से बोल दिया ये चेयर के ऊपर आप देखो बिंकल का सिर ठंडा ठंडा कूल कूल हो जाएगा अभी हां ठंडा ठंडा हो जाएगा आइस टेक केयर आओ मैं के खड़े होना 1 मिनट ये लो चेयर के ऊपर बैठ पप्पी चलो पीछे पीछे के अब जैसे जैसे पापा बोलेंगे आपको वैसे वैसे करना है ठीक है आप अपना सिर ऐसे करो वेरी गुड हाय नहीं हाय एक पाउच और दे दे इतने नहीं बहुत है दे दे मैं वो लगा हां भाजा कपला लंबा दो कपला लंबा है बड़ी वजह से ठंडे से हो जाएगा की ले के मैं तुम की दे ओथे पे पाउच आधे ब्याह आधे आधे बच्चे जिधर का इधर टैडी पे आधे अच्छा यहाँ पे और लास्ट कोने से देखना बिंकल ने एक पाउच खत्म कर दिया सारे पाउच खत्म हो गए जितने हम देखे आधे हाँ अच्छा ये लास्ट एक जी फिर कभी लगाएंगे ये पाउच है चल ठीक है लास्ट है ठीक है और मिल जाऊंगा ठीक है सारा पेट खत्म कर देना अब पीछे भी लगा दो सिर में जहां भी ठंडा ठंडा हो जाएगा ना तो तेरे आराम से बैठो ना ऐसे ओहो तेरे तो नीचे गिरी जा रहा है तेरा जर चार बस बस हो गया बैठो अब आप आइए बंद करो मैं अच्छी सी मसाज करता हूँ ठीक बहुत मजा आ गया गाइज मसाज करवा के थैंक्स टू पतिदेव क्योंकि उन्होंने हम तीनों के बालों की मसाज की है आज उनको 100 में से मैं 101% नंबर देती हूँ थैंक यू पतिदेव थैंक यू वेरी मच साफ कर देते रुक जा तो रुक जा आज साफ कर क्या हुआ इसके ना अच्छी तरह से हुआ नहीं है ये हे गाइस तो अभी हम तैयार क्यूर होके जा रहे हैं जगराओ यहाँ मतलब रेडी हो चुके हैं हम सुबह तो ऐसे तेल तो लगा के बैठे हुए थे ना तो ब्लॉग काफी इस टाइम के बाद एक्चुअली मैं शूट कर रही हूँ मसाज कराने के बाद नाश्ता करने के बाद हम मसाज कराने ऑब्वियसली तो उसके बाद अभी हम जाना है हमने बैंक के बाद हम जाएंगे थोड़ी सी शॉपिंग करने जगराओ सिटी जो मेरे गाँव के पास वाला सिटी है वहाँ पे एंड उसके बाद हम जाएंगे घर पे जाके बिंकल एक खूब मस्ती करनी है अपने दादा दादी के साथ और ये बहुत मिस करती है दादा दादी को एक्चुअली सभी बच्चे करते हैं ऑफ कोर्स मैं भी अपने दादा दादी को बहुत मिस करती थी सो पितू ये है मेरा बेटा विंकू विंकू के पापा और अब जब हम जा रहे रास्ते में एक ट्रक के ऊपर कुछ लिखा हुआ है ओ ता नहीं ए ता ओ सी ए लिख के ए फिर लिखा है ओ ए ता पंजाबी में डाल के फिर लिखा है ओ जीरो वाला ओ लिखा सी मैं दिखाती हूँ आपको छोटा सा क्लिप मैंने बनाया है एता ओ सी मतलब जो लॉरी होती है ना उसके पीछे जो डायलॉग लिखे होते हैं ना स्पेशली पंजाब वालों ने मतलब मजेदार होते हैं पढ़ के इतना मजा आता है ना फिर आपको पता है एक बार चंडीगढ़ में दादाजी आए हुए थे है ना तो वहाँ पे एक लड़के ने ना अपनी कार के पीछे उसकी थी A10 कार थी और उसके पीछे लिखा हुआ था गिफ्टेड बाय डैडा जी तो मतलब पापा की तरफ से मुझे गिफ्ट की गई है तो मतलब मजा आ गया उसको भी पढ़ के अभी आप सोच रहे होंगे कि हाँ डायलॉग सुना रही हूँ लेकिन जब आप जा रहे हो सीधा कहीं पे भी और किसी ट्रक के पीछे किसी लॉरी के पीछे कोई डायलॉग पढ़ते हो कभी भी एकदम से ध्यान वहाँ पे जाता तो अंदर से बड़ा अच्छा लगता है कि यार इतनी बड़ी चीज के ऊपर क्या डायलॉग लिखवाया हुआ है ना मजा आता है उसको पढ़ने में और स्पेशली ट्रक वाले तो ज्यादा लिखवाते हैं नहीं ये मतलब फैशन है ये कुछ
आगे भी कुछ लिखा होगा, अभी आगे सामने एक ट्रक का, ये देखो इसके पीछे भी कुछ ना कुछ जरूर लिखा होगा, आई एम श्योर, आई एम श्योर। सरवंता पला नहीं, नहीं लिखा हुआ है, मुख दुनिया मोड़ ले साइया तू मुख ना मोड़ी। ओके चलो, इसमें तो भगवान का नाम लिखा हुआ है। चलो आगे और भी दिखाऊंगी, मतलब ऐसे फनी फनी डायलॉग लिखे होते हैं ना, सुन के भी मजा आता है और पढ़ के भी मजा आता है और काफी टाइम तक मन बड़ा खुश रहता है ना। आप भी जरूर ध्यान दीजिएगा, अगर कभी नहीं ध्यान दिया तो। अभी मेरे सामने बहुत ट्रक है, अब मैं बार बार कैमरा नहीं ऑन करूंगी, पीछे करूंगी, आगे आगे करूंगी। खैर अभी हम जा रहे हैं सिटी की तरफ और विंकल विंकल के खाने पीने का सारा सामान हम साथ में रखते हैं, जैसे पानी की बॉटल्स, बिस्किट, चिप्स एंड ऑल दैट, राइट? क्योंकि बच्चे को कुछ नहीं पता कब भूख लगनी शुरू हो जाए, है ना। तो चलते हैं सिटी की तरफ अपने काम करके, उसके बाद हम आप लोगों से मिलते हैं। बाय बाय। सिटी का भी छोटा सा क्लिप आप लोगों को दिखाऊंगी। सो गाइज, अब हम आए हैं हमारी फेवरेट लस्सी पीने, तो पति का और मेरा फेवरेट प्लेस। पिंके लस्सी पीऊँगा, इसके ऊपर ना बहुत हार्ड और मोटी वाली मलाई होती है जो बहुत यम यम लगती है। ये देखो विंकल को चाहिए मेरा पर्स, ले ओ। ये देखो कैसे खा रहे हैं, ये बहुत धुंधली क्या बन रही है। मैंने लस्सी मंगवाई थी, लस्सी नहीं पी है, देखो जाए कैसे खा रहे हैं, जैसे बहस करती है। एवरीवन, अभी जगराऊ से हम निकल चुके हैं, हमें प्लेस मिलना था, सी का काम हो गया। विंकल बहुत शॉर्ट की, विंकल इनके ऑफिस में आज बहुत शॉर्ट की, और अभी हम जा रहे हैं घर थोड़ी देर में। देखो बैठने का स्टाइल, देखो इस बंदे का कार में, देखो देखो मैं देखो इधर देखो, ये देखो सोई जा। देखो इसके पहने का स्टाइल, देखो देखो समझा हुआ घर, समझा हुआ है कार को। सुबह 11 बजे उठी है, हाँ अभी फिर सोना है इसने, समझ में ना, समर वेकेशन की है उसकी, क्या करती है सुबह 11 बजे उठती है, उठ के बाद में बोले कि 2 घंटे बाद, देन बड़ी जल्दी निकल गया। हाँ 11 बजे उठ के फिर बोलती है अच्छा दोपहर होगी, सीधा शाम होगी। अच्छा दिन बड़ी जल्दी निकल गया यार, बताओ दिन तो निकल नहीं है ना अपने टाइम पे। एनीवेज घर पहुंचे वाले, मम्मा को भी कॉल किया हमने कि हम घर आ रहे हैं, और वरना उन्हें सरप्राइज ही मिलता कि हम घर के बाहर आके बताते हैं कि हाँ हम आ गए, देखो वाओ सरप्राइज जितनी पढ़नी थी पूरी, कि मम्मी को सरप्राइज प्रूफ कुछ नहीं समझ में आता। उन्होंने तो दादा ना बता के क्यों नहीं आए। तो खैर थोड़ी देर में हम घर पहुँच जाएंगे, विंकल का सारा कुछ लेके आई हूँ इंजॉय करने के लिए, इसका बाथ टब और स्विमिंग पूल वाला पूल टब इसका वो भी लेके आई हूँ, और तो बस थोड़ी देर में हम घर पहुँच जाएंगे। क्या करोगे ऐसे ऐसे करोगे? ओके ओके।